इशू हो गया, इस चलते दिक्कत हो रही है सर। क्या हो रहा है? तो मेरे पास एक सीक्रेट है बताने को। बताओ सर। मैं इतना सीक्रेट बता देता हूँ तो उसका फायदा फायदा नहीं होता है। नहीं ले पाते हम लोग। हाँ, मैं तो सोचा था आप लोग इतने समझदार लोग हो, होशियार लोग हो, आप लोग पकड़ लोगे, पर किसी ने पकड़ा ही नहीं आज तक। सर, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? राइट इश्यूज, कोई नया राइट इशू? इतने सारे राइट इशू करे, इतना सब कुछ हुआ और एड्रॉइड तो बिकता ही नहीं है। आप सब तो लोग फंसे हुए एड्रॉइड में, और कितना नीचे आ गया, कितना ज्यादा लॉस हो रहा है एड्रॉइड में, है ना? यस सर। कुछ ऐसा रास्ता किसी ने नहीं सोचा कि आपको एंड्रॉइड का लॉस भी नहीं होता और आपको आरी भी मिल जाते, ऐसा कुछ रास्ता है क्या? ऐसा क्या रास्ता है सर? आरी लिस्ट होने के बाद खरीदने? तो वो तो फिर आपको आरी जो होते हैं वो तो आपको पैसे देने पड़ते ना खरीदने के लिए। तो सब अच्छा, वो 3 वाला बेनिफिट नहीं मिलता? फ्री वाला बेनिफिट नहीं मिलता। प्राइस तो मोर और लेस सेम ही है। सब लोग एड्रॉइड में फंसे। राकेश सर का पहले भी गया था, बाकी बाकी सब लोग एड्रॉइड में फंसे कि नहीं फंसे? अब तो आई थिंक मैं सबका बिक गया होगा सर, पता क्यों नहीं फंसा? पता नहीं सर, नहीं। मैंने पता नहीं सर। किसी को बोला कि मेरा एंड्रॉइड नहीं बिक रहा? नहीं सर। मेरा तो बिक गया और मेरे को तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई बेचने में, तो मैं क्यों नहीं फंसा? कुछ तो सोचो, सोचो सोचो कुछ तो, कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करो। सर आपके पास तो बोल्ट है, आप तो सबसे पहले आपका ट्रेड जाएगा, इसलिए नहीं, इसलिए बिक क्यों गया होगा। मेरा भी बिक गया है क्यों वैसे। मेरे मेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या? सर बोल्ट है, आप ही ने तो बोला है, वंस यू हैव डायरेक्ट तो आपका उतने सेकंड्स पहले जाता है तो लग जाता है। आपने एक वो किसी बच्चे को फैसिलिटी बोल तो दिया होगा ना। वो फैसिलिटी तो अपनी स्टार्ट ही हुई है। अच्छा, ओके ओके, देन मे बी आई डोंट नो। तो कुछ तो मैंने सीक्रेट बिगनिंग है। में लगा अरे दिया, मेरा तो हो गया, आई डोंट नो। हाँ पर आपको जी, तो थोड़ा बहुत तो लॉस हुआ होगा सर रिकॉर्ड डेट के मॉर्निंग में सर। खरीदने पर सर, रिकॉर्ड डेट का जिस दिन का, उसके अगले दिन मैंने तो बेचा, सो इट वाज डाउन, इट्स नहीं, ओके। तो मैं फिर लोड कहाँ का लिया था तो मैं लॉस? उसी दिन बेच दिया था, तो मेरा भी उस तरह का निकल गया था। सबको लॉस हुआ, सबका फंसा, किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया, कोई सोचता ही नहीं है। की कुछ तो ऑप्शन है सर, सोचो, कुछ अपडेट के रिकॉर्ड डेट जो तो रहेगा उस दिन बेचना सोचो, होगा। कुछ इतना स्पेशल सिचुएशन सीखा हुआ है 2 साल 3 साल, कुछ तो सोचो, कुछ तो करो जिससे आप लोग स्पेशल सिचुएशन में स्पेशल हो जाओ, कुछ तो करो। माई आर यू नॉट एबल टू गेट इट? सर आप बता दें आपका कैसे एकदम क्विक से बिक गया, व्हाट हैड यू डन? मे बी सब लोग को पता चलेगा, इंक्लूडिंग मी ऑफ कोर्स। वेरी सरप्राइज, सो मेनी राइट इश्यूज वी हैव डन एंड सो मेनी डिस्कशंस वी हैव डन एंड सो मेनी थिंग्स वी हैव डन, स्टिल नोबडी इज एबल टू कैच द लूपहोल। सर बेचने का क्या इसमें लूप होल है? बेचने का यू गो देयर एंड इट्स द फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट, राइट?
लोअर से वैल्यू पे डालना पड़ेगा तभी बिकेगा, वो भी 9 साढ़े 9 बजे। देर इज अ लूप होल, विद दिस लूप होल आई नेवर लूज ऑन द वैल्यू ऑफ द राइट्स एंड द लूप होल आई गेट द अरीज फॉर फ्री। देर इज अ लूप होल, नोबडी नोज एंड इट इज फ्री मनी, एंड इट इज फ्री मनी, एंड इट इज आप फ्री, एंड इट इज फ्री मनी, इज फ्री मनी। बॉम्बे वाले बहुत होशियार होते हैं, बॉम्बे वालों को तो पता ही होगा। सो इफ दैट इज इंडिकेटेड टुवर्ड्स मी, नो मुझे तो नहीं पता, कब से तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बता सर दीजिए आप। देर आर टू मोर पीपल फ्रॉम बॉम्बे ओवर हियर, विजय जी एंड सुनील जी। हेलो, बोलिए। देर इज अ लूप होल। इफ आई टेल यू यू विल गेट द आरीज फॉर फ्री, इज इट पॉसिबल? सोचो और बोलो। होल्ड वेटिंग, आप बताएं, आप मैं तो बताएं। पूछ रहा हूँ सर, मैं बता थोड़ी रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यू विल गेट द आरीज फॉर फ्री, यू विल नॉट इवन गेट स्टक इन द वैल्यू डिस्ट्रक्शन व्हाट हैपेंस आफ्टर द आरीज आर मूव्ड आउट। वेट फॉर द एंटायर सेलिंग टू कंप्लीट। तो आरी फ्री कैसे मिलेगा? चलो कल कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, चलेगा? ये क्या हुआ? ये आ जाओ कल में, क्या सात बता दो आ संडे, रही। आज संडे है ना, संडे को अच्छी नींद आएगी रात को। सस्पेंस में नहीं आएगी। हाँ वो सस्पेंस ही क्रिएट कर रहा हूँ मैं, आज संडे को अच्छी नींद आएगी सबको, तो कल बताऊंगा। धनंजय जी ने मेरे को डीएम करके मना किया कि सर मत बताओ, क्यों विजय जी? विजय जी क्या बात नहीं धनंजय करते जी हैं। बात सही है क्या? नहीं, धनंजय जी बात सही है क्या आप कह रहे हैं? अरे नहीं हाँ सर, नहीं सर, मैं मैं क्यों मना करूंगा? धनंजय जी का स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ आपको। नहीं सर, जो राइट इश्यू का रिकॉर्ड डेट होता है, T प्लस 1 में ट्रेड होता है, प्राइस यस तो सर। अगले दिन एडजस्ट होता है 2 बजे के बाद भी तो। हाँ बट ओके सर, लेट्स लेट्स इस पे थोड़ा बात। सर देयर इज एन एक्स डेट, तो आप एक दिन पहले नहीं बेच सकते आई नो, आई नो हो। देर इज अ नेक्स्ट डेट, आई नो देर इज अ नेक्स्ट डेट। डू वन थिंग, ट्राई ओके हाँ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरीज एंड सॉरी ट्राई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ राइट इश्यूज। जो आपका एक्स डेट होता है ना, वो हाँ एक्स जी, डेट से आप टी प्लस 1 में सेटल होते हो। नहीं वो तो मुझे पता है कि जाएगा नहीं। सो आई एम नॉट सेइंग सेल इन द मॉर्निंग, सेल मार्केट बंद होने के टाइम पे, 3 बजे बाद, 2:30 बजे बाद, 3 बजे बाद, जस्ट डू 10 शेयर्स एंड जस्ट ट्राई एंड सी अबाउट व्हाट यू गेट। ओके सो जस्ट लेट मी ऑल्सो अपडेट। मैं आजकल मैं HDFC और ICICI डायरेक्ट में करता हूँ। जैसे मैं दोनों में करता हूँ, मेरा 1 घंटे में SMS आ जाता है कि दिस शेयर इज ब्लॉक। सो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग सर इज सर दिस शेयर्स इज ब्लॉक्ड बट नॉट डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। ब्लॉक टू बी डेबिटेड, नॉट 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 डेबिट। नॉट डेबिटेड, यस 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 दैट इज ओके। सो अरे चलो ट्राई करते हैं, करते हैं द ट्राई टाइम एक इज बार। टू द आइडिया इज टू सेल जस्ट नियर टू द मार्केट क्लोजिंग, नॉट इन द मॉर्निंग, बिकॉज दो साइकिल चलती है क्लियरेंस की, एक 11 बजे की समझा। साइकिल चलती है, 2:30 बजे की चलती है। ओके ओके तो जो ओके 2:30 बजे की क्लियरेंस की साइकिल है, उसके बाद जाके अगर मैं अपना वो शेयर बेच दूं, तो एक तो मेरे को वो डाउनफॉल भी नहीं जाएगा, एक्स डे रिकॉर्डेड के अंदर मेरा नाम भी आ गया रजिस्टर द कंपनी में, और आ रही आपको फ्री आएगा। नहीं बट लेटर डज द
डू दे नॉट डू डज योर ब्रोकर नॉट एक्चुअली डेबिट यू टू दैट एक्सटेंट. ठीक है Sir, आपको मिल गया I am telling you थैंक there are two clearance cycles. One is at 11 AM और second one is यू. 2:30 PM. ओके वी ट्राइड 10 शेयर से तो ट्राई किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. जस्ट गिव इट अ शॉट. एग्जिट माइनस वन को 2:30 के बाद एक दिन लेके, जैसे आज 4th अगर उसकी लास्ट डेट है तो आज 21 मॉर्निंग में 3 बजे बेचना है कि नेक्स्ट डे बेचना है? एक्स डेट के 1 घंटा पहले, ट्रेडिंग आवर के 1 घंटा पहले 3 बजे बाद. तब भी हमारा होल्डिंग आएगा उनके रिकॉर्ड्स आप में. देख लें, मैं भी देखना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक दिस वील नीड टू जस्ट ट्राई दिस, वील नीड टू ट्राई दिस आउट. एक्स डेट पे तो ऑलरेडी वो एडजस्ट हो जाएगा. मतलब आप बोल रहे हो कि एक्स डेट माइनस वन वाले ट्रेडिंग डे में आफ्टर 2:30 भेज दो, ये बोल रहे हो ना सर आप? आफ्टर थ्री आपका थ्री क्लॉक बी सेफ ना बाय बाय द डॉट 2:30. हाँ नहीं नहीं मतलब एक्स डेट माइनस वन के प्रीवियस ट्रेडिंग डे, एक्स डेट के 1 दिन पहले वाले ट्रेडिंग डे पे 3 o'clock के बाद ऐसा बोल रहे हो. आपको एक तो वो प्राइस भी एडजस्ट नहीं होगा. यस ठीक है. एंड एंड डोंट गो फॉर फास्ट ब्रोकर्स लाइक ICICI डायरेक्ट. कोई लोकल ब्रोकर में अकाउंट खुलाओ ना. व्हाई यू वांट टू गो विद द लीडर्स? व्हाई डोंट यू हैव अ लोकल सब ब्रोकर अकाउंट? T+1 में ये तो हाथों हाथ सेटल करके भेज देंगे आपका. अच्छा ओके. देसी खाता देसी खाता खुलाओ ना, जो देसी तरीके से काम करता है. ये लूप होल का फायदा तो हम लोग काफी टाइम से उठा रहे हैं. मेरे को लगा आप लोग समझ गए होंगे, बट आप लोग फोमो में ज्यादा रहते हो, कोई ट्राई नहीं करता. तो ठीक है कोई बात नहीं. T-1 पे सर मैंने रिकॉर्ड डेट के दिन बेच कर देखा हूँ सर, मुझे राइट मिला था. तो बस बात खत्म हो गई ना, तो क्यों नहीं दिमाग लगाया फिर? नहीं मैं ये पहले एक दिन पहले नहीं बेचा, रिकॉर्ड डेट के दिन बेचा था. तो बोल रहा हूँ राइट मिला ना. यस तो क्यों नहीं दिमाग लगाया भाई साहब, जब फ्री का पैसा मिल रहा है आपको और फिर भी आप दिमाग नहीं लगाओ, बोले कि मेरा पैसा नहीं बनता तो मैं क्या करूँ? नहीं एक दिन पहले देसी अकाउंट में जाके एक दिन पहले 10 शेयर से ट्राई करते हैं. धनंजय हैज डन इट. Last record date and then the plus one is the X date. Okay, T+1. You okay. have to sell it on the record date after 3 PM. Okay. Sure. You will be getting the full value. The ride is was would have been still not adjusted in the price. आपको price drop नहीं मिलेगा. So मेरा तो advert बहुत easy भी था. आप लोग सब अटके थे. कर देते हैं बट अकाउंट देसी होना चाहिए, ICICI HDFC नहीं चलेगा बिकॉज़ इन लोग बड़े एफिशिएंट हैं. क्या देसी है क्या? बॉम्बे के लोग बहुत होशियार हैं, सब लेके फास्ट काम करते हैं. हम लोग गांव में रहते हैं, क्या करें सर? सर आप फिक्र ही ना करें, मैं एकदम इंटीरियर गांव में जाने वाला हूँ, पैसा उधर ही है और साथ में क्वालिफिकेशन अपना वापस दे दूंगा. देखो कितना पैसा कमाता हूँ मैं. मैं तो 12वीं जो भी काम कर दूंगा मैं. मैं तो गांव में रहता हूँ सर, आप तो इंजीनियर हो. चलो ठीक है. तो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर देसी अकाउंट का भी नाम बता दो, देसी अकाउंट कैसे होते हैं? जीरोधा तो देसी नहीं है. सब ब्रोकर में जाऊँ ना किसी के पास? जरूरी थोड़ी कि ICICI और HDFC में जाना है या कोटक में जाना है. कोई भी सब ब्रोकर पकड़ो, कोई भी दोस्त ढूंढो जो सब ब्रोकर से लेके बैठा हो.
जितना सब ब्रोकर के पास जाओगे उतना हरा के लेवल कॉम्प्लेक्स होगा, उतना काम धीरे चलेगा। अभी सिस्टम चेंज हो गया सर, सिस्टम चेंज हो गया है। अगर आप समझो सब ब्रोकर से भी लेते हैं ना तो डायरेक्ट टर्मिनल टी है उसका, मालूम है सर, मालूम है सर। 10 शेयर से ट्राई कर लेते हैं, 10 शेयर में तो कुछ जाएगा नहीं। अच्छी बात है ना सर, यही तो बोट है, मैं तो खुल्लम खुल्ला बता दिया, उसके बाद भी इतना क्वेश्चन और इतना डाउट है। थैंक यू, आई विल कीप गेटिंग द फ्री मनी। आप लोग डाउट करते हो? नहीं, हम लोग भी करते हैं सर, ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, नॉलेज के लिए, बाद में फिर जैसे करना है नहीं। हाँ तो अब जो कॉल हुआ है उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, जिसने लेट ज्वाइन किया मैं रिकॉर्डिंग नहीं शेयर करने वाला हूँ, ठीक है।